महाराणा के कांधे से जब राजपुताना चलता था, ओट से उसके दुश्मन सेना धू धू करके चलता था। भू रक्षा की खातिर जिसने अपनी सारी जवानी दी, गर्वित हूँ मैं उस राणा पर जिसने अपनी बलिदानी दी। तो ये है राजस्थान और ये है राणा प्रताप का ये महत्वपूर्ण क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ का अभेद्य दुर्ग और किला। किला देखने के लिए आए ना? हाँ जी। एशिया का सबसे बड़ा किला है। अच्छा। त्याग बलिदान शौर्य की भूमि है चित्तौड़गढ़। भक्ति में थी मीराबाई, पतिवर्तम थी रानी पद्मिनी, दानवीर के अंत थे भामाशाह, युद्ध के अंत थे महाराणा प्रताप। इस किले को अगर बाई एरोप्लेन से देखते थे, मच्छी के आकार में बना है किला। 13 किलोमीटर में 750 एकड़ में पूरा किला बसा हुआ। अच्छा जी। किले के 3 पार्ट हैं, आधे पार्ट में आबादी है, आधे पार्ट में किला है, आधे पार्ट में फॉरेस्ट इलाका है। ठीक। चारों तरफ से किला बंद है, आने जाने का रास्ता एक ही जो आप चढ़ के आए। ओके। उस जमाने में किले के अंदर में जो लोग रहते थे, खाना पीना लड़ाई करना सब पूर्व दिशा से होता था। अच्छा। तो 7 गेट उधर में भी बने। अच्छा जी। ये गेट बाद में राणा कुंभा ने बनाया। अच्छा अच्छा ठीक है। ये वाला गेट जिसपे आप चढ़ के। ओके ओके। अभी आने जाने का रास्ता एक ही जो आप चढ़ के, बाकी वो रास्ता केवल राजा महाराजा के टाइम का जो खेती बाड़ी के लिए आना जाना होता है। हाँ जी। इस पूरे किले में छोटे बड़े मिलाकर 113 मंदिर है, 84 पानी के तालाब है और छोटे मोटे मिलाकर 9 महल है। वाह। पूरे किले को तो एक्सेस किया जा सकता है, सबको देखा जा सकता है क्या? एक महीने अलाउ है देखने का? देखने का अलाउ अपने 1 महीने का समय। अच्छा अच्छा। हाँ। इतना बड़ा किला। ठीक ठीक। इस किले के अंदर में मुस्लिम अटैकों के अंदर में, मुगलों के अटैक के अंदर में सब महल मंदिर को तोड़ दिया गया। ओ। तो सब झंझर पड़े हुए। अच्छा। और कोविड के हिसाब से भी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी चीजें बंद है, बहुत सारी खुली है। इस्लामपुरों से हर जगह अपना गाड़ी जाएगा, उतरा देखा समझा वापस गाड़ी से चलना है। ठीक। 13 किलोमीटर अपना गाड़ी जाएगा। ये सामने जो मंदिर देखते हैं, इसको 8वीं शताब्दी मनाया था बप्पा रावल ने। हाँ, बप्पा रावल। कुंभशाह मंदिर के नाम से जाना था। पीछे से देखते हैं सोमनाथ, आगे से देखते हैं जगन्नाथपुरी जैसा। ओके। कुंभशाह मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है ये। पीछे का ये जो सोमनाथ गुंबद बना हुआ है, सोमनाथ के तरह से बना हुआ है। और ये जगन्नाथपुरी ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। ये सामने मंदिर है मीरा जी का मंदिर। अच्छा। कृष्ण मीरा भाई का नाम सुना? हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ का राजा था राणा संग्राम सिंह थे। राणा संग्राम सिंह का सबसे बड़ा पुत्र था बोधराज, उसके साथ मीरा का शादी किया। जब शादी करके इसी मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के साथ बातें करना, नाच गाना, भक्ति करना करती थी। मेरा तो प्रभु गिरधर नागर दूसरों में कोई, मेरे पति सोए। इवन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था मन ही मन। तो उसके बाद में उसका देवर था विक्रमादित्य, वो कूटनीति का था, मदिरापान अय्याशी का शौक था। भाभी अपन राज परिवार से नाच गाना अच्छा लगता है, चलो छोड़ दो, नहीं मानी तो इसी मंदिर में मीरा को जहर दिया जो अमृत बदल गया, फूलों के टोकरे में सांप भेजा, फूलों का हार बन गया। मीरा को ज्यादा परेशान किया तो मीरा यहाँ से कृष्ण का मूर्ति लेकर द्वारिका चली गई और द्वारिका के अंदर कृष्ण की मूर्ति मिली हुई। ओके। तो मीरा जी को अजर और अमर माना गया। उसी टाइम से प्राचीन मंदिर है मीराबाई। अभी प्रेजेंट टाइम में इसके अंदर मीरा और कृष्ण का व्हाइट कलर का मार्बल का मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। जी जी जी। मंदिर के सामने एक छोटा छतरी देखेंगे, मीरा के गुरु थे संत रविदास। हाँ हाँ बिल्कुल। जिनके चरण पादुका बने। दोनों मंदिर का आप दर्शन कर लीजिए, दर्शन करके वापस गाड़ी में बैठेंगे, फिर वापस आके चलेंगे। जी जी। बंसी वाले कान्हा तेरी धुन पे दुनिया वारी है, प्रेम रस बरसे बरसाने द्वारका मनहारी है, प्रेम रस बरसे बरसाने द्वारका मनहारी है। बंसी से जो होठ छू गए स्वर से बन गए गान, धरणी को मुख में धारण कर दी अपनी पहचान। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम तुम मानव नहीं हो ईश्वर हो, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो।
उस जमाने में जितने भी राजा महाराजा थे सब युद्ध करते थे। अभी प्रेजेंट टाइम में राजा के जो लोग रहते हैं सब खेती बाड़ी के रहते हैं। गेट खुलता है सुबह और शाम को बंद रहता है। अच्छा जी, सामने में करावली पहाड़ी देखो, जैसे कोई आदमी सो रहा है, ऊपर में सिर है, बीच में धड़ है और नीचे में पैर है। अच्छा, जैसे कोई कुंभकर्ण लेटा हुआ है। हाँ हाँ। जैसे किले में आने के लिए आपने सात गेट चढ़े किया ना, ऐसे सात गेट इधर बने। अच्छा, परंतु लड़ाई के अंदर सब गेट टूट गए। अभी प्रेजेंट टाइम में इधर में तीन प्रकार का खेती होता है, अफीम का, जड़ी बूटियों का और व्हाइट चंदन का। अच्छा, अफीम वगैरह का सरकार से अलाउड सब सब गवर्नमेंट गवर्नमेंट चंदन की भी तो सुना है मैंने, चंदन की काफी खेती होती है। ये सारा और हल्दी की, हल्दी की भी खेती होती है क्या? हल्दी की नहीं होती, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का सब प्रकार के। ये गेट उसके लिए खुलता है सुबह खेती बाड़ी के लिए, शाम को बंद हो जाता है। ओके, ये पूरा युद्ध मैदान है। बहुत दूर तक युद्ध का अभ्यास वगैरह हुआ करता होगा। और अलाउद्दीन खिलजी इसी गेट से आया था, अभी रानी का महल चल रहा है ना, पर इस गेट से आया था, इसी गेट से आया था। अभी रानी का महल चल रहा है वहाँ पर 1301-2 के आसपास, 1303 तीन में। सर ये दरवाजे में ये रॉड ये क्यों लगे हैं ये सारे? ये हाथी घोड़े को सिर के बल तोड़ने के लिए, ये इससे हाथी घोड़े तोड़ देते थे। हाथी घोड़े को देसी मदिरा पिलाई जाती थी, गन्ने के जूस के साथ में नशा कराया जाता, फिर हाथी घोड़े को तोड़ने के लिए आसानी रहे, इसलिए गेट के अंदर किले लगाए। अच्छा।